फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डायरेक्टर प्रोड्यूसर नीरज पांडे का एज ए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, उनकी मूवीज की डिटेल, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बॉक्स ऑफिस में मूवीज का रिजल्ट एनालाइज करने जा रहे हैं। साल 2008 में इनके डायरेक्शन में बनी पहली मूवी आई अ वेडनेसडे। इस मूवी के लीड कास्ट में अनुपम खेर, नसीरुद्दीन शाह, जिमी शेरगिल, दीपाल शाह और अमीर बशीर शामिल थे। इस मूवी का बजट 3 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 11 करोड़ कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 16 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। साल 2013 में इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी आई स्पेशल 26। इस मूवी के लीड कास्ट में अक्षय कुमार, काजल अग्रवाल, मनोज बाजपेयी, जिमी शेरगिल, दिव्या दत्ता और अनुपम खेर शामिल थे। इस मूवी का बजट 42 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 66 करोड़ 80 लाख रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 108 करोड़ 39 लाख रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। साल 2014 में आई मूवी टोटल सियापा। इस मूवी के डायरेक्टर थे ईश्वर निवास और इस मूवी के प्रोड्यूसर थे नीरज पांडे। इस मूवी के लीड कास्ट में अली जाफर, यामी गौतम, अनुपम खेर और किरण खेर शामिल थे। इस मूवी का बजट 17 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 5 करोड़ 94 लाख रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 13 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 2015 में इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी आई बेबी। इस मूवी के लीड कास्ट में अक्षय कुमार, तापसी पन्नू, राशिद नाज, डैनी और के मैनन शामिल थे। इस मूवी का बजट 75 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 95 करोड़ 56 लाख रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 140 करोड़ 54 लाख रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। साल 2016 में आई मूवी रुस्तम। इस मूवी के डायरेक्टर थे टीनू सुरेश देसाई और इस मूवी के प्रोड्यूसर थे नीरज पांडे। इस मूवी के लीड कास्ट में अक्षय कुमार, इलियाना डिक्रूज, ईशा गुप्ता और अर्जुन बाजवा शामिल थे। इस मूवी का बजट 50 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 127 करोड़ कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 218 करोड़ 12 लाख रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में सुपर हिट रही। इसी साल इनके डायरेक्शन में बनी मूवी आई एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। इस मूवी के लीड कास्ट में सुशांत सिंह राजपूत, दिशा पटानी, कियारा अडवाणी, अनुपम खेर और भूमिका चावला शामिल थे। इस मूवी का बजट 110 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 133 करोड़ 4 लाख रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 250 करोड़ 40 लाख रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। इसी साल अगली मूवी आई सात उचक्के। इस मूवी के डायरेक्टर थे संजीव शर्मा और इस मूवी के प्रोड्यूसर थे नीरज पांडे। इस मूवी के लीड कास्ट में मनोज बाजपेयी, अनुपम खेर, के मैनन, अन्नू कपूर और आदिति देव शर्मा शामिल थे। इस मूवी का बजट 5 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 2 करोड़ कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 3 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। अगले साल 2017 में आई मूवी नाम शबाना। इस मूवी के डायरेक्टर थे शिवम नायर और इस मूवी के प्रोड्यूसर थे नीरज पांडे। इस मूवी के लीड कास्ट में तापसी पन्नू, अक्षय कुमार, मनोज बाजपेयी, अनुपम खेर और पृथ्वीराज सुकुमारन थे। इस मूवी का बजट 30 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 36 करोड़ 76 लाख रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 57 करोड़ 56 लाख रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। साल 2018 में इनके डायरेक्शन में बनी मूवी आई अय्यारी। इस मूवी के लीड कास्ट में सिद्धार्थ मल्होत्रा, मनोज बाजपेयी, रुकुलप्रीत सिंह, पूजा चोपड़ा, आदिल हुसैन, कुमुद मिश्रा, नसीरुद्दीन शाह और अनुपम खेर शामिल थे। इस मूवी का बजट 28 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 18 करोड़ 22 लाख रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 34 करोड़ 7 लाख रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। फ्रेंड्स, इस तरह मैंने आपको एज ए डायरेक्टर और एज ए प्रोड्यूसर नीरज पांडे की सभी मूवीज के बारे में बता दिया। नीरज पांडे की कौन सी मूवी आपकी फेवरेट मूवी है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।